बच्चों हम लोग ने क्लास स्टार्ट कर दी है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवेन हो, वो इक्वेशन हो z³ - 1 = 0, तो बच्चों बताया था मैंने कि इसके अगर आप फैक्टर करते हैं तो इस इक्वेशन के तीन रूट्स आते हैं, उसमें से पहले रूट को कहते हैं 1, दूसरा रूट होता है ओमेगा और तीसरा रूट होता है ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों ने हम लोग ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे कि जो ओमेगा होता है वो होता है -1 + i√3/2, और बच्चों जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है -1 - i√3/2। ये बच्चों ऑब्जर्वेशन थे। और अगर बच्चों हम लोग इस ओमेगा का आर्ग्यूमेंट निकालते थे तो वो 2π/3 आता था, और अगर बच्चों हम लोग ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट निकालते थे तो वो 4π/3 आता था। तो बच्चों हम लोग ने इतना देखा था। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन देखे थे वो हम लोग ने कि ओमेगा की पावर में अगर 3k का मल्टीपल है तो वो 1 होता है, ओमेगा की पावर में 3k+1 है तो बच्चों उसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा की पावर अगर 3k+2 है तो उसको बच्चों हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। और बच्चों एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने और सीखा कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² का जो सम होता है उसे हम लोग बच्चों जीरो के नाम से जानते हैं। एक तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा। अब बच्चों हम लोग जो यहाँ पर और भी देखना चाहते हैं वो और क्या देखा था, वो देखा आपके सामने इसका रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से करते हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। यहाँ पर जो एक्सिस होती है उसमें एक एक्सिस रियल एक्सिस होती है और एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म था वो मैंने आपको काफी देर तक समझा दिया था। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था z = 1, जिसका पोलर था फॉर्म था mod z (cos 0 + i sin 0). और जो बच्चों दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था ओमेगा, इसका भी मॉडुलस 1 होता है बच्चों, चाहे आप निकाल के देख लो, -1 + i√3/2 का जब आप मॉडुलस निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। और बच्चों इसका आर्ग्यूमेंट था cos 2π/3 + i sin 2π/3। और बच्चों जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा स्क्वायर, अगर आप उसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो भी 1 आएगा, तो वो होता है cos 4π/3 + i sin 4π/3। तो बच्चों ये बातें होती हैं जो मैंने आपको समझाई थी काफी देर तक। अब बच्चों आपको यहाँ पर कुछ और बातें भी समझनी पड़ेंगी, जरा आप ध्यान से देखिए। ये बच्चों आपकी रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो बच्चों ये रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग को समझने हैं कि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके हैं 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर आप ध्यान दें बच्चों 1 का भी मॉडुलस 1 होता है, ध्यान दीजिए 1 का भी मॉडुलस 1 है, ओमेगा का भी मॉडुलस 1 है और ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस 1 है। तो बच्चों ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो 1 है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि z1 - z2 का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। z1 - z2 के मॉड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब बताया था डिस्टेंस बिटवीन, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन z1 and z2, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z1 - z2 से। और बच्चों अगर आपके सामने मॉडुलस ऑफ z कोई 1 लिख देता है तो उसका मतलब होता है कि z की जो ओरिजिन से दूरी है वो 1 यूनिट के बराबर है। अब बच्चों z एक पॉइंट होता है जिसके अंदर x + iy यानी xy कंटेन होता है। अगर कोई पॉइंट xy की, अब x और y तो एक वेरिएबल पॉइंट हुआ, और किसी वेरिएबल पॉइंट की अगर एक ओरिजिन से दूरी अगर कांस्टेंट के बराबर है तो वेरिएबल पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, वो सर्किल की सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा। ये बच्चों मैंने आपको काफी बार बताया कि अगर mod z = 1 है तो उसका मतलब z की ओरिजिन से दूरी क्या है, 1 है। इसका मतलब ओरिजिन से दूरी 1 बनाए रखते हुए आप क्या बनाएंगे, एक z का पाथ बनाएंगे, और जब z का पाथ बनाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप इन बातों को यहाँ पर दिखाना चाहें तो उन बातों को यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं कि वो सर्किल किस तरीके से हो सकता है। वो सर्किल बच्चों कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगर आप उसको दोबारा बनाना चाहें तो दोबारा भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों हम एक सिमेट्रिकल सर्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चों देखिए मैंने एक सर्किल आपके सामने बनाया है,
इस सर्किल की रेडियस क्या है, यूनिट रेडियस है, और इसका सेंटर क्या है, 0.0। तो बच्चों ये z कहां हो सकता है, z बच्चों यहां पे भी हो सकता है, z बच्चों यहां पे भी हो सकता है, z बच्चों यहां पे भी हो सकता है। तो कहीं भी z हो उसकी ओरिजिन से दूरी क्या है, 1 के बराबर है। इसका मतलब बच्चों ये भी लेंथ आपकी 1 है, और जो बच्चों ये वाली लेंथ है ये भी बच्चों आपकी लेंथ 1 है, और बच्चों ये वाली लेंथ भी क्या है, 1 है। अब बच्चों हम लोग को यहां पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके तीनों है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपने देखा इन तीनों का मॉडुलस 1 होने की वजह से, चाहे वो 1 हो चाहे ओमेगा स्क्वायर है, इनका मॉडुलस 1 होने की वजह से ये कहां लाई करेंगे, ये सर्किल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी लाई कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, z इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करें इस फॉर्म में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कहां है, ये है बच्चों z इज इक्वल टू 1। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू 1, ये बच्चों आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो cos 0 + i sin 0 भी लिख सकते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये भी बता रखा है जब लेक्चर्स पढ़ाए थे कि कभी भी cos थीटा + i sin थीटा आ जाए, तो cos थीटा + i sin थीटा इतना बड़ा अगर आप लिखने का मन ना हो तो आप इसको e की पावर i थीटा भी लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज ऑल्सो यूलर्स फॉर्म, इसको हम लोग यूलर्स फॉर्म भी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास काफी बड़ा सा टर्म हो cos थीटा + i sin थीटा, अगर आप उसको लिखना पा रहे हैं जगह कम है तो आप उसको e की पावर i थीटा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों z इज इक्वल टू 1 टाइम्स cos 0 + i sin 0, तो उसको आप e की पावर i 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा एंगल बच्चों क्या है, दूसरा एंगल 2π/3 है। 2π/3 बच्चों क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो देखो बच्चों 120 डिग्री अभी मैंने बनाया, इस एंगल को हम 2π/3 कहेंगे। और यहां बच्चों आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 1 टाइम्स cos 2π/3 + i sin 2π/3, जिसको हम e की पावर i 2π/3 भी कह सकते हैं। और बच्चों जो आपका तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर है, 4π/3, यानी 2π/3 में आप 2π/3 ऐड करेंगे तो 4π/3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको दिखाना चाहें तो आप इस तरह से दिखा भी सकते हैं। ये आपका बच्चों एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है z इज इक्वल टू मॉड z, मॉड z तो उसका 1 ही है, मॉड ओमेगा स्क्वायर cos 4π/3 i sin 4π/3, इसका मतलब e की पावर i 4π/3। तो बच्चों आपके पास ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर सर्किल की सर्कमफेरेंस पे आपको क्लियर क्लियर नजर आ रहे होंगे। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करते तो देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कोई बच्चा बता सकता है, अगर हम इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो सभी बच्चे बताएंगे सर इस ट्रायंगल का नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स लेंथ क्या है, इक्वल है। तो अगर आपको ये भी ना समझ में आए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हुआ, तो वो भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको समझाने में पूरी आपकी मदद कर देता हूं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप एक ट्रायंगल यहाँ पे अलग से फॉर्मेशन कर लीजिए। देखिए बच्चों मैं एक ट्रायंगल का अलग से फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल ऐसा ही है, और ऐसा ही सेम ट्रायंगल बच्चों इसके नीचे भी बना हुआ है ना, ऐसा ही सेम ट्रायंगल एक इसके नीचे भी बना हुआ है। तो जगह कम है तो हम सिर्फ एक ऊपर का ही ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। ट्रायंगल में देखिए बच्चों ये आपका ओरिजिन है, और बच्चों ये भी यूनिट रेडियस है और ये भी यूनिट रेडियस है, और ये एंगल बच्चों 2π/3 है, यानी कि 120 डिग्री है। तो बच्चों ये 1 है, ये भी 1 है, और बच्चों अगर ये 120 है, अगर ये दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये कितना हुआ, ये भी 30 हुआ, ठीक है। कितने कितने एंगल्स हुए, 120 में कितना ऐड करें, 60 ऐड करें तो 180 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 30। तो बच्चों ये वाला एंगल कैसे हुआ, 30 हुआ। उसी तरीके से बच्चों एक नीचे भी ऐसे ही ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे बनाया ना एक और ट्रायंगल नीचे की तरफ, तो उसमें भी बच्चों क्या एंगल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये बच्चों पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल बच्चों पूरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। उसी तरीके से बच्चों ऐसे आपके पास एक ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, तो आप इस तरह से निकालेंगे तो बच्चों ये जो एंगल्स है ना वर्टेक्स पे, ये एंगल क्या बन जाएंगे ऑटोमेटिकली 60 60 60 बन जाएंगे। इसका मतलब ये आपका कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां का कंसेप्ट कुछ ऐसे काम करता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कि उसके तीन रूट्स होंगे और उससे बना हुआ पॉलीगन एक रेगुलर पॉलीगन होगा, तीन रूट्स होंगे तो तीन साइड का पॉलीगन बनेगा, और जो तीन साइड का पॉलीगन होगा उससे सेंटर पे जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे तीन, उस पे जो एंगल बनेगा वो 2π/3 होगा, है ना। ध्यान से देखिए, और बातें बच्चों हम लोग इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे, जो तीन साइड के लिए पॉलीगन के लिए करते हैं फिर वही चार साइड के पॉलीगन के लिए करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग nth साइड के पॉलीगन की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन बच्चों आपको पहले ये बिगिनिंग लेवल की बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम जो पिछले टर्म पे आपको समझाया था काफी देर तक, इतना तो आपको जो मैंने अभी बिगिनिंग का बताया ये तो आपका पिछले टर्म का ही है, बस मैंने अभी यहाँ पे नया क्या किया है कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कहाँ पे किया है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कहाँ पे किया है, सर्किल की सरकमफेरेंस पे, क्योंकि तीनों का ही मॉडुलस वन है। और मॉडुलस वन होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मॉडुलस अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वन है तो वो क्या बताता है कि एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से दूरी किसके बराबर, वन यूनिट के बराबर है। तो जेड आपका तीनों सर्कल सर्कमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है, तो पहला जेड आपका क्या होगा, पहले जेड को मैंने दिखाया उसका प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल क्या है, जीरो। दूसरा जेड मैंने दिखाया उसका प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल क्या है, 2π/3। तीसरा जेड मैंने दिखाया उसका प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल क्या है, 4π/3। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपने तीनों को आपस में ज्वाइन किया तो आपका क्या बन गया, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। और बच्चों अगर आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को कंसिडर करेंगे तो फिर आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा, मतलब हर बार एक रेगुलर पॉलीगन बनता चला जाएगा, और वो डिपेंड करेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो तीन साइड का पॉलीगन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो चार साइड का पॉलीगन जिसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे, और अगर मान लो nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उस केस में n साइडेड पॉलीगन कहता है, होता ही रेगुलर पॉलीगन ही है हमेशा। रेगुलर का मतलब उसे कहते हैं जिसकी हर साइड इक्वल हो, लेकिन अगर ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी भी आपके पास cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हो तो आप उसको इतना बड़ा ना लिख करके सिर्फ e की पावर i थीटा भी लिख सकते। तो बच्चों आपको मैंने दो बार बताया, होपफुली आप समझ गए होंगे, और इस फॉर्म को मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि याद रखिए इसको हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्म। क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्म। तो आज की बात कोई यूलर्स फॉर्म कहे तो आपको देख के घबराना नहीं है, यूलर्स फॉर्म इज नथिंग, दिस इज ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यूलर्स फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्म कहते हैं। तो बच्चों यूलर्स फॉर्म कुछ नहीं होता, एक बड़े से एक्सप्रेशन को छोटे में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, बस इसको हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्म। तो सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और पार्ट पढ़ते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट आएगा, सर अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका कंसेप्ट कैसे होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसका मतलब हुआ 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू जेड, यही तो मतलब हुआ 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू जेड। अगर हम दोनों तरफ पावर में 4 कर देंगे तो जेड की पावर 4-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो z² + 1 z² - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन बच्चों अगर हम इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जेड स्क्वायर आपका एक बार -1 आएगा और जेड स्क्वायर आपका एक बार 1 आएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अगर जेड स्क्वायर -1 है तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, √-1। और बच्चों अगर जेड आपका 1, जेड स्क्वायर आपका 1 है तो जेड हो जाएगा √-1। और बच्चों अगर √-1 जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई। मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था और काफी पहले भी बताया कि √-1 क्या होता है, आई होता है। तो बच्चों स्क्वायर रूट से जब भी कोई रिजल्ट निकलता है तो वो प्लस माइनस करके निकलता है, जैसे 1 का स्क्वायर रूट भी आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। तो बच्चों अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 4 रूट्स, +1 -1 + i - i। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आने चाहिए। और बच्चों अगर आपको कनेक्टिविटी बैठानी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह तो आप इसको कनेक्टिविटी में भी ले सकते हैं।
कैसे लेंगे? आप हर रूट्स को इसके पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे बच्चों आपका मान लीजिए पहला रूट है जेड इज इक्वल टू वन, तो उसका पोलर फॉर्म क्या होगा? वन टाइम्स कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, इस तरह से लिख सकते हैं। ये बच्चों इसका पोलर फॉर्म हो गया, जिसको हम e की पावर आई जीरो लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों हम आई ले लेते, तो आई का मॉडुलस बच्चों वन ही होगा। ध्यान दीजिए, आई का मॉडुलस क्या होगा? वन होगा। तो अगर हम इसका पोलर फॉर्म लिखें तो क्या होगा? जेड इज इक्वल टू वन टाइम्स। और बच्चों अगर आई होता है तो आई पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, और मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई बाई टू होगा। ये मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया भी था, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो बच्चों जो आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आई, उसका मैंने आपको पोलर फॉर्म में लिख के दिया है जेड इज इक्वल टू वन टाइम्स कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, क्योंकि पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? पाई बाई टू होता है। ये मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया था। ओके, अगर बच्चों हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन टाइम्स कॉस पाई बाई टू को आप लिख दीजिए टू पाई बाई फोर। तो हम लोग को कनेक्टिविटी बैठानी है, कनेक्टिविटी बैठाने के लिए हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, जो जेड इज इक्वल टू वन है, ध्यान से देखिए, जो जेड इज इक्वल टू वन है उसको मैंने e की पावर आई जीरो लिखा, जेड इज इक्वल टू आई का भी मैंने बताया कि क्या लिखते हैं, वन टाइम्स कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, और पाई बाई टू को मैंने टू पाई बाई फोर लिखा ताकि मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से सिमेट्री बैठा पाऊं। इसको हम e की पावर आई टू पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यूलर्स फॉर्म एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है अपनी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों तीसरा रूट क्या है? तीसरा रूट है बच्चों माइनस आई। माइनस आई का मतलब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, ठीक है ना बच्चों? ध्यान से देखिए, पहले हमने वन जीरो रेज्यूम किया। ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बैठाना चाहें या आपको समझ में कम आ रहा हो तो आप इसके लिए एक आर्गेंट प्लेन भी बना लीजिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड? यहां पर होता है, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होता है जीरो डिग्री, यहां पर क्या होता है पाई बाई टू, यहां क्या होता है पाई, यहां क्या होता है बताइए, यहां क्या होता है थ्री पाई बाई टू, क्या होता है थ्री पाई बाई टू। मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों जीरो जो आपका वन था, वन को तो आप समझ गए क्योंकि वन आप पहले भी लिख चुके थे, और अभी आपने आई को भी समझा, ठीक है ना, बस हमने उसके पाई बाई टू को टू पाई बाई फोर लिख दिया। और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है पाई, पाई को आप कैसे लिखेंगे देखिए, चलिए तीसरा आर्ग्यूमेंट भाई, एक रूट आपका वन है, एक आपका आई है, एक आपका माइनस वन है, चलिए माइनस वन को लिख देते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो होगा मॉड जेड टाइम्स कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। देखिए बच्चों ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, जिसको हम वन टाइम्स ई की पावर पाई जो है ना बच्चों पाई, उसको अगर हम ऐसे लिख दें लेट से फोर पाई बाय फोर, तो 4 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं हम पाई को। बच्चों ये इसका देखो, मैंने पाई को 4 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों अगर आप तीसरा, अगर आप देखें तीसरा और लास्ट कौन सा बचा, माइनस आई। तो बच्चों माइनस आई के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मॉड जेड टाइम्स, माइनस आई का भी मॉडुलस 1 होगा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 को बच्चों हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 6 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, तो e की पावर 6 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं i टाइम्स, इस तरह से भी बच्चों लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये यूलर्स फॉर्म होता है, यूलर्स फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए, e की पावर i थीटा, दिस इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो बच्चों आपके पास आप देख सकते हैं बाय सिमेट्री, अगर आप इसको दोबारा समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, मैं आपको दोबारा फिर से बताता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों आपका जो पहला रूट है वो क्या है, वन टाइम्स ई की पावर आई जीरो, वन टाइम्स ई की पावर आई जीरो। और बच्चों दूसरा रूट आपका क्या है, वन टाइम्स ई की पावर आई पाई बाई टू, पाई बाई टू को आपने क्या लिखा, टू पाई बाई फोर लिखा, लिखा। और तीसरा रूट क्या है बच्चों, z इज इक्वल टू वन टाइम्स e की पावर क्या था, पाई, पाई को आपने क्या लिख दिया, फोर पाई बाय फोर, ठीक।
और चौथा रूट है z इज इक्वल टू 1 टाइम्स, क्योंकि मॉडुलस सभी का 1 है। एक बच्चों खास बात ये होती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इनका मॉडुलस हमेशा 1 ही होता है। इसका मतलब इनका जो लोकस होता है वो हमेशा सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ही लाई करते हैं और कहीं नहीं लाई करते। तो बच्चों ये i टाइम्स क्या हो जाएगा, 2π/4, 4π/4, ये हो गया चौथा वाला 6π/4। ठीक है, तो बच्चों मैंने चारों को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से सिमेट्री अगर देखना चाहें तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिमेट्री भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, इनको आर्गन प्लेन में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर्गन प्लेन में जैसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो देखिए आर्गन प्लेन में सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाइए। ये बच्चों आपका एक यूनिट रेडियस का सर्किल बन गया है। उसके बाद अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करिए। तो बच्चों पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जीरो बना रहा है। दिस इज जेड इज इक्वल टू 1 × e^i0। दूसरा क्या है, π/2, तो π/2 बच्चों ये हो गया उसका π/2। तो बच्चों ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जेड इज इक्वल टू e^i2π/4। फिर बच्चों क्या है, π/2 के बाद क्या है, पाई। तो बच्चों π/2 में अगर हम π/2 ऐड करेंगे तो आपका पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू e^i4π/4। उसके बाद बच्चों चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट कितना है, 3π/2। तो अगर हम बच्चों 3π/2 देखना चाहें यानी 270, तो हम इस तरह से मूव करेंगे तो हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये होगा z इज इक्वल टू e^i6π/4। तो बच्चों चारों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने आ गए। अगर बच्चों इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने एक देखिए रेगुलर पॉलीगन बनकर के आ रहा है। इस रेगुलर पॉलीगन का नाम स्क्वायर होता है। अब बच्चों आप कहेंगे प्रूफ करिए कि ये स्क्वायर है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ये भी कहोगे कि प्रूफ करिए सर ये स्क्वायर है। इसको स्क्वायर कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या टेक्निक होगी वो भी आप देख लीजिए। मैं आपके सामने अलग से स्क्वायर बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों यहां से देखिए, ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बच्चों अगर आप इस बात को समझेंगे तो देखिए ये सेमी सर्कल में बना हुआ ये भी एक ट्रायंगल है जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। तो बच्चों ये क्या हुआ, 90 डिग्री। नीचे भी बच्चों एक सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल है, वो भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ये भी एक सेमी सर्किल में बना हुआ ट्रायंगल है, तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये भी एक सेमी सर्किल में बना हुआ ट्रायंगल है, ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब 90-90 तो प्रूफ हो गया। तो बाकी आप हर साइड को इक्वल कैसे दिखाएंगे, कहोगे सर ये ओरिजिन है और सर ये यूनिट रेडियस है, इसका मतलब ये भी सर 1 हुई और ये भी 1 हुई। ये 1 1, तो ये बच्चों क्या हुई, √2 √2 √2, हर जगह से वो क्या हो गई √2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये स्क्वायर हो गया 100%। अगर बच्चों आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा 5 साइड का। क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा 5 साइड का, बनेगा ना, क्या बनेगा, 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन, जिसको आप क्या कहेंगे, रेगुलर पेंटागन कहेंगे। तो आपको पड़ेगा फिर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिर सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो बच्चों ऐसे करते चले नहीं जाते, अब हम लोग एक सिमेट्री बैठा लेते, सिमेट्री से सारी बातें खत्म कर लेते। तो आई होप पहले आपको यहां तक समझ में आना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ जे मींस जे एडवांस। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर या जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं तो ये बात आपको 100% पता होनी चाहिए, वरना आगे आपको पढ़ाई में तकलीफ होगी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके बोर्ड्स का नहीं है लेकिन मैं आपको अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दोबारा आपको फिर से हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर z³ -1 = 0 होता है तो इसके पहले हम लोग रूट्स लिखते हैं। क्या रूट्स थे, एक रूट था 1 1, को आपने लिखा 1 × cos 0। ध्यान दीजिए, 1 को आपने क्या लिखा था, cos 0 + i sin 0, जिसको आप 1 × e^i0 भी लिख रहे थे। फिर दूसरा रूट z इज इक्वल टू क्या था,
ओमेगा था, इसका भी मॉडुलस 1 था, तो ये था cos 2 पाई बाय 3 प्लस i sin 2 पाई बाय 3। ध्यान से देखिए, i sin 2 पाई बाय 3, जिसको बच्चों e की पावर i 2 पाई बाय 3 आप लिख रहे थे। फिर बच्चों तीसरा रूट था ओमेगा स्क्वायर, इसका भी मॉडुलस 1 था, ये था cos 4 पाई बाय 3 प्लस i sin 4 पाई बाय 3। ये मैंने आपको पिछले टर्म पे पढ़ाया था, दिस इज e की पावर i 4 पाई बाय 3। और बच्चों अगर हम बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, तो सिमेट्री कैसे बैठेगी, जरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, तो बच्चों उसमें कौन कौन से रूट है? आप कहोगे सर इसमें तो एक पहला सेम है, 1 का मतलब 1 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0, दैट मींस e की पावर i 0। दूसरा रूट था सर i, तो i को बच्चों आपने क्या लिखा, 1 टाइम्स cos pi by 2 plus i sin pi by 2। और बच्चों मैंने बताया pi by 2 को pi by 2 ना लिख करके आप 2 pi by 4 भी लिख सकते हो, तो cos 2 pi by 4 plus i sin 2 pi by 4 लिख लीजिएगा। तीसरा रूट बच्चों क्या है, दिस इज -1 मतलब इसका मॉडुलस तो 1 ही होगा, तो ये हो गया cos pi plus i sin pi, pi को बच्चों आप ऐसे लिख दो 4 pi by 4 plus i sin 4 pi by 4, ऐसे लिख सकते हो, is equal to e की पावर i 4 पाई बाय 4। उसके बाद बच्चों चौथा रूट क्या है, 1 i माइनस 1 माइनस i, दिस इज क्या हुआ, 1 टाइम्स cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 को बच्चों आप 6 पाई बाय 4 लिख लो प्लस i sin 6 पाई बाय 4 लिख लो, दिस इज e की पावर i 6 पाई बाय 4। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों अब हम बात करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की, तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू z। तो बच्चों अगर हम कहें कि आपके पास इक्वेशन है z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों अगर आपको इसके रूट्स लिखने पड़े तो आप इसके रूट्स किस तरह से लिखोगे? कहोगे सर रूट्स की सिमेट्री हम समझ गए हैं, रूट्स की सिमेट्री में हमें बातें समझ में आ गई हैं, हम लिखेंगे सर इसके रूट्स होंगे, मॉडुलस तो सर सबका ही 1 है, तो होंगे 1 टाइम्स cos 2k pi by 4 plus i sin 2k pi by 4। ये हो गए nth और root of unity के सारे roots हो गए, जहां पे बच्चों k की value होगी 0, 1, 2 से लेकर के n minus 1 तक। ध्यान से देखिए, k की value होगी 0, 1, 2 से लेकर n minus 1 तक। अगर आपको verify करना है तो आप verify कर सकते हो, मान लीजिए आपने cube root of unity के लिए बात करी, तो n की value बच्चों क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ध्यान से देखिए, यहां पर 2k पाई बाय 4 ना लिख करके जनरल इसको n लिख लीजिए अभी, तो अब आप ध्यान दीजिए अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए वेरीफाई करेंगे तो आप n की जगह 3 डालेंगे, ठीक है, तो n की जगह बच्चों उसमें 3 डालिए, देख लीजिए जब आप n 3 लें तो बच्चों k की वैल्यू क्या पड़ेगी, k की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि k की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक है, तो 0 से लेके 3 माइनस 1 यानी कि 0 से लेकर के 2 तक, तो k की वैल्यू 0 डालेंगे आप इसमें तो पहला रूट आ जाएगा, k की वैल्यू 1 डालेंगे इसमें तो दूसरा रूट आ जाएगा, k की वैल्यू इसमें 2 डालेंगे तो तीसरा रूट आ जाएगा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों आप इसमें n इक्वल टू 4 डाल के भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 4 डालेंगे के लिए वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू थी 0, 1, 2, ठीक है, और बच्चों इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 और 3 होगी, तो k की वैल्यू बच्चों 0 डालेंगे तो उससे एक रूट आ जाएगा, 1 डालेंगे तो उससे भी एक रूट आ जाएगा, 2 डालेंगे तो उससे भी, 3 डालेंगे तो उससे भी एक रूट आ जाएगा, और चारों रूट्स आपके मैच करेंगे जो मैंने आपसे लिखे। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी आपके सामने कोई लिख दे z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप कहोगे उसके रूट्स होंगे z इज इक्वल टू 1 टाइम्स cos 2k pi by n plus i sin 2k pi by n, आप इस तरह से लिखोगे, that means z की पावर n minus 1 is equal to, इसके रूट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन के रूट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z is equal to 1 times e की पावर i 2k pi by n, जहां पे बच्चों k की वैल्यू लाएगी 0, 1, 2 से लेकर के n minus 1। तो ये बच्चों बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर क्या इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सर ने ऑब्जर्वेशन बताई दिए थे
कि अगर तीन साइड्स का पॉलीगन है तो सेंटर पे बनता है एंगल 2π/n, है ना, और अगर चार साइड का पॉलीगन है तो सेंटर पे एंगल क्या बनता है 2π/4, है ना, समझ में आया कि नहीं। सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2π/4, 2π/4 का मतलब क्या होता है π/2, समझ में आया। तो आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से यहाँ पे हर बार एंगल पाई बाय टू बना था, पीछे देखिए हर बार एंगल जितने भी ट्रायंगल बने थे सारे ट्रायंगल के वर्टेक्स पे एंगल 2π/3 था, यहाँ पे हर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार ट्रायंगल है, तीन साइड्स का पॉलीगन तो तीन बने थे, चार साइड का पॉलीगन तो चार ट्रायंगल बने थे, हर सेंटर पे एंगल पाई बाय टू बना रहा मतलब 2π/4। और अगर यहाँ पे बच्चों अगर आप एन साइडेड पॉलीगन बनाएंगे तो आपको एन साइडेड पॉलीगन समझ में आएगा पूरा पूरा। तो n साइडेड पॉलीगन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, मैं उसको पूरा आपको बना करके दे रहा हूं, आप देखिए आराम से। तो बच्चों अभी भी इन सारे रूट्स का मॉडुलस क्या है, 1 है, इन सारे रूट्स का मॉडुलस क्या है 1 है। तो अभी भी ये सब कहां लाई करेंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे। और अगर आप इसको दिखाना चाहें एन रूट्स को तो एन रूट्स को आप दिखा सकते हैं, देखिए कैसे दिखाएंगे, ये एन रूट्स को हम दिखा रहे हैं बच्चों, ये देखिए इस तरह से ये एन साइडेड पॉलीगन। अब बच्चों एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा, है ना, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा। तो आपका बच्चों पहला रूट कहाँ है, पहला रूट है बच्चों ये, क्योंकि जीरो तो हर बार सभी का रूट है, फिर ये दूसरा रूट होगा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, एन साइडेड पॉलीगन है तो उसके एन रूट्स बन होंगे। और अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपस में ज्वाइन करने पर जो भी पॉलीगन बनेगा वो पॉलीगन कैसा होगा, वो एन साइडेड पॉलीगन होगा, इस तरह से वो बनता चला जाएगा, समझ में आया। तो बच्चों ये एन साइडेड पॉलीगन होगा, जो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सेंटर पे एंगल कितना बनाएंगे बच्चों, वो एंगल बनाएंगे 2π/n, 2π/n। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें सर इतनी देर से कल से यानी पिछले टर्म से सर क्या ऑब्जर्वेशन बताने में लगे हुए हैं और इस पे क्वेश्चंस कैसे अचानक इतने सारे बन जाएंगे, क्या होने वाला है, जरा आप उस बात को भी समझिए। देखिए बच्चों, अब बच्चों आपने देखा कि z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं, वो रूट्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या है, वो है z की पावर, क्या लिखा था मैंने, जितने भी रूट्स लिखे, z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स e की पावर i 2k π/n। ये इसके सारे रूट्स हो गए जहां पर k आप डालेंगे 0 1 2 से लेकर के n माइनस 1। तो बच्चों ये इसके रूट्स, समझ में आए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम इसके सारे रूट्स लिखें तो सारे रूट्स को लिखने पे आपको समझ में आएगा कुछ पैटर्न, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों पहला रूट क्या है, ध्यान से देखिए, के की जगह जीरो डाल देते हैं, के की जगह जीरो डालेंगे तो पहला रूट तो बच्चों वन ही आता है। दूसरा रूट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, के की जगह आप क्या डालेंगे, वन डालेंगे, जब के की जगह वन डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर आई 2π/n। तीसरा रूट क्या है, e की पावर i, k की जगह 2 डालेंगे, 0 1 डाली अब 2 डालेंगे तो 4π/n। उसके बाद बच्चों चौथा रूट e की पावर i, 3 डालेंगे तो 6π/n। ऐसे करके बच्चों ये कहानी चलती चली जाएगी, ठीक है, n माइनस 1 तक चलेगी, लेकिन 1 को शामिल करेंगे तो n टर्म्स हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बाई डिफॉल्ट जो e की पावर i 2π/n है इसको हम थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं, तो उसके रूट्स बन जाएंगे 1, ये हो गया अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ऐसे करके अल्फा की पावर n माइनस 1 तक के रूट्स, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि n साइडेड पॉलीगन के जितने भी रूट्स हैं ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ जीपी हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ जीपी हो रहा। और अगर इस GP का सम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास n साइडेड पॉलीगन के सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। वैसे तो आप बच्चों सम ऑफ रूट्स पहले ही से जानते हैं, क्योंकि आपने देखा कि अगर कौन सा पॉलीगन है, अगर ट्रायंगल था तो उसमें भी उसके तीन रूट्स थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसका भी सम क्या था, 0। चार साइड का पॉलीगन था उसके भी जो रूट्स होंगे उनका भी सम ओवरऑल क्या आएगा, 0। चेक कर लो, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, उनका भी सम क्या होगा, 0। तो बच्चों जो n साइडेड पॉलीगन में होंगे उनका भी रूट्स का सम क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर आप 0 निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं,
और अगर दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन से कह दीजिए, चाहे आप निकालना चाहें तो बने निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर जीपी का सम होता है सम ऑफ एंट्रीज ऑफ जीपी ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्योंकि बस सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है भाई, अल्फा से लेकर के एन माइनस वन जा रहा है लेकिन वन भी तो है तो उसको मिला के एन टर्म्स हो गए, तो सम ऑफ एन टर्म्स आपका हो गया वन टाइम्स अल्फा की पावर एन। अल्फा क्या है बच्चों? ई की पावर आई टू पाई बाय एन, तो होल पावर इसमें बच्चों एन आ जाएगी माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। तो बच्चों हमने अल्फा की वैल्यू ऊपर ही डाल दी है, नीचे नहीं डाली अभी, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर आई टू पाई माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। अगर बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर आई टू पाई क्या हो जाएगा, ये होता है कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। तो बच्चों कॉस टू पाई क्या होता है? कॉस टू पाई तो वन होगा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था कि जो कॉस एन पाई होता है वो माइनस वन की पावर एन होता है और साइन एन पाई ऑलवेज जीरो होता है, जहां पर एन होता है बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों उसको यूज करिए, तो कॉस टू पाई जैसे कॉस पाई माइनस वन होगा तो कॉस टू पाई वन होगा, कॉस थ्री पाई माइनस वन होगा कॉस फोर पाई वन होगा, और साइन तो सभी के लिए जीरो होता है और वन माइनस वन बच्चों जीरो हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और बच्चों वैसे भी अगर आपके पास जो इक्वेशन दी है जेड की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके भी बच्चों अगर आप रूट्स निकालेंगे तो इसके भी रूट्स क्या आएंगे, आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए, जेड की पावर एन प्लस जीरो टाइम्स जेड की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स सम ऑफ रूट्स लिखने हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, या जिसको आप ज्यादा संख्या होने पर इस तरह से भी लिखते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस कोफिशियंट ऑफ जेड की पावर एन माइनस वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ जेड की पावर एन, इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों ये सम ऑफ रूट्स आ गया, तो ये बच्चों हो गया जीरो अपॉन वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों चाहे आप सिमेट्री से यूज करके जीरो बता दो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करके जीरो बता दो, चाहे आप इस तरह से जैसे मैंने निकाला वैसे प्रूफ करके बता दो कि रूट्स का सम क्या है, जीरो। अब बच्चों अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे रहेंगे, सारे रूट्स का प्रोडक्ट। पहला रूट क्या है बच्चों, पहला रूट है, चलिए हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना चाहें तो पहला रूट क्या है बच्चों, वन, दूसरा है अल्फा, तीसरा है अल्फा स्क्वायर, तीसरा है अल्फा क्यूब, ऐसे करके अल्फा की पावर एन माइनस वन। और बच्चों अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा की पावर आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा की पावर में सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, 1 by 2 n n plus 1, सभी बच्चों को पता है sum of first n natural numbers का sum क्या होता है 1 by 2 n n plus 1, तो ये n minus 1 terms का sum है, तो इसमें n को n minus 1 से replace कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा। और बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ऊपर लिखी है, ध्यान से देखिए e की पावर i 2 pi by n, यहाँ डाल दीजिए e की पावर i 2 pi by n। और बच्चों ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 by 2 n minus 1 into n, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ध्यान दीजिए क्या बचा, ये बचा e की पावर i pi टाइम्स, e की पावर i pi टाइम्स n minus 1, ये बचा। और बच्चों e की पावर i pi क्या होता है, cos pi plus i sin pi, cos pi minus 1 होगा sin pi 0 हो जाएगा, इसका मतलब e की पावर i pi क्या होगा, minus 1 और पावर में n minus 1। तो बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो होता है वो डिपेंड करेगा कितने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो एन की जगह थ्री हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो एन की जगह फोर हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो जनरल फॉर्मेशन है वो यही है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लें और कोई डाउट है तो पूछ लें, अभी भी मैं रुका हुआ हूं। तो बच्चों मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जरा आगे लिखिए यहां पर हमारे साथ, लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, दिस इज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट,
सबसे पहले आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन मॉडुलस सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट तो ये बच्चों आप लोग सभी अपने कॉपी में हेडिंग डालिए और देखिए मैं इसमें क्या बताने जा रहा हूं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप उसको अपने आप से कर लीजिए, नहीं पता है तो देखिए पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो होता है वो माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं, अगर पता है तो आप अपने आप से भी प्रूफ कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप अभी हमारे साथ कर लीजिए प्रूफ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लीजिए, अगर आर्ग्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे वो आप पोलर फॉर्म में ही लेट करेंगे। तो हमने बच्चों लिख दिया जेड इज इक्वल टू मॉड जेड टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ जेड को आप आर भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बच्चों मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों और मैंने ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जेड बार, देखिए हमको प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये प्रूफ करना है। और बच्चों जेड बार का कंसेप्ट हमने बताया था कि जेड बार का मतलब ये होता है कि जो आई है आप उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका जेड बार आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो जेड बार है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, और z बार को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए अगर हम z बार को लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है z, इसमें z का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है, और बच्चों नीचे वाला जो स्टेटमेंट है उसमें z बार का आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस थीटा है। ध्यान से देखिए ऊपर आर्ग्यूमेंट z का क्या है, थीटा है, नीचे आर्ग्यूमेंट z बार का क्या है, माइनस थीटा है। तो यही तो हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि आर्ग्यूमेंट जो z बार का होता है वो क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। तो इसमें कोई मैंने बड़ी बात तो लिखी नहीं, तो ये सभी बच्चे जानते हैं, बस इसको एग्जाम में यूज करने में आपको उलझन होती है इसलिए मैंने आपको अलग से भी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखिए पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो चुकी है, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये दूसरी प्रॉपर्टी मैं करने जा रहा हूं, देखिए कि लिखा है मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। बच्चों ये दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए यहां पर जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लेट किए लेते हैं। चलिए देखिए तो बच्चों जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट किए लेते हैं आर वन टाइम्स cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। आर वन क्या होगा, वो जेड वन का मॉडुलस भी लिख सकते हो उसको। जेड टू को हम लिखते हैं आर टू टाइम्स cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, ये मैंने लेट कर लिया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे क्लियर कट जेड वन इंटू जेड टू का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ भी टारगेट दीजिएगा। हमारे पास इस इक्वेशन से क्लियर कट समझ में आ रहा कि z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा वन है, और यहाँ पे z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा टू है। अब हमको z1 z2 का आर्ग्यूमेंट चाहिए जो कि z1 और z2 के आर्ग्यूमेंट के सम के बराबर आया है, तो उसको हम प्रूफ किए लेते हैं, कॉपी में करना पड़ेगा प्रूफ हो जाएगा। यानी कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करने पे जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप करिए कुछ नहीं, पहले z1 z2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए ये z1 और z2 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूले भी लगते हैं, वो भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो लगाने पर जो स्टेप आएगा फाइनल वो आप मैं आपको लिख के दे देता हूं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
ये आएगा बच्चों cos थीटा वन cos थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये आएगा प्लस i टाइम्स साइन थीटा वन cos थीटा टू प्लस cos थीटा वन साइन थीटा टू, ये आएगा बच्चों, आप करके चेक कर लेना। तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, ये सब फॉर्मूले हैं। तो ये हो गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज cos a प्लस बी प्लस i टाइम्स साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 है वो किसके बराबर है, थीटा वन प्लस थीटा टू के बराबर है। और बच्चों थीटा वन आपका क्या है, थीटा वन है z1 का आर्ग्यूमेंट, ठीक, और थीटा टू क्या है, z2 का आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों जो हमको प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो चुका है, अब आप अपनी देख लो, जिसको प्रूफ करना था हम वो तो प्रूफ कर चुके हैं, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। तो आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट होता है तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स को डायरेक्टली लिखा जा सकता है उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के बराबर, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत लंबे प्रोसेस नहीं करेंगे। जहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको बहुत आसान तरीके से लिखा जा सकता है, उसमें जो आर्ग्यूमेंट होगा वो उन दोनों का सम होगा। और यहां पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे R1 R2 मल्टीप्लाई कोई भी कर सकता है, R1 R2 मतलब मॉड Z1 मॉड Z2। चलिए देखिए नेक्स्ट बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर ए हो गई, बी हो गई, या आप इसको 1 2 3 जो भी आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 तीसरी प्रॉपर्टी। तो बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बार, ये आपको प्रूफ करनी है। ये आएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इसको बच्चों आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चों आपके पास वही सेम काम है, आपको फिर से करना पड़ेगा। z1 क्या लिखेंगे, z1 लिखेंगे r1 टाइम्स cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। z2 बच्चों आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे r2 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। और बच्चों इतनी बात से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है वो क्या है, थीटा 1 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है वो क्या है, थीटा 2 है। देख लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या है, थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या है, थीटा 2 है। अब बच्चों हमको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए z1 z2 बार, तो z1 क्या है, वो है r1 टाइम्स cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, यही तो है। और z2 बार क्या है, z2 बार का मतलब आपने को क्या बताया गया था कि z2 बार का मतलब हुआ कि i को माइनस i से रिप्लेस कर दो, और उसको मैंने आपको ये लिखने का तरीका भी बताया था। ध्यान से देखिए, मैंने उसको लिखने का आपको तरीका भी बताया था कि cos ऑफ माइनस थीटा 2 प्लस i sin माइनस थीटा 2 वो उसके कॉन्जुगेट के बराबर ही है z2 के, है ना। तो बच्चों ये तो एक तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो वो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको यही तो बताया था, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक थीटा वन है, एक माइनस थीटा टू है, उनको जब हम ऐड करेंगे तो थीटा वन माइनस थीटा टू ही तो आएगा भाई। एक थीटा वन है, एक माइनस थीटा टू है, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो थीटा वन माइनस थीटा टू ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू बार किसके इक्वल आया है, थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर आ रहा है। तो थीटा वन क्या है, थीटा वन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और थीटा टू क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो बच्चों देखो मैंने दूसरी पार्ट भी प्रूफ कर दिया, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा कि ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक बार आपके सामने से होके निकल जाए तो फिर करने में क्वेश्चंस में करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑन योर बोर्ड देखिए। तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है, जो अगली प्रॉपर्टी है 1 2 3 दिस इज फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी,
वो बच्चों फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। बच्चों ये आपको प्रूफ करना है। प्रूविंग कैसे होती है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो डिवीजन करने की बजाय आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि डिवीजन करने के बाद अगर Z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, तो Z1 अपॉन Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 के। यानी कि बच्चों अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि Z1 आपका है R1 टाइम्स cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1, और बच्चों जो आपका Z2 है वो है R2 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अगर बच्चों आप इनको डिवाइड करेंगे आपस में दैट इज Z1 अपॉन Z2, तो आपको कई बातें क्लियर होंगी, लेकिन डिवाइड करने में आपका इतना समय चला जाएगा ओरिजिनलिटी में कि आप सोचोगे कि एग्जाम में करेगा कौन। इसलिए बच्चों ये रिजल्ट बनाए गए हैं ताकि आपको बिना समय लगे क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बच्चों अगर आप ये डिवीजन करोगे, मतलब डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करके जब आप इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बच्चों आएगा आर वन अपॉन आर टू टाइम्स, ऊपर फॉर्मूले बन जाएंगे कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू मतलब कॉस ए माइनस बी का, प्लस आई टाइम्स साइन थीटा वन माइनस थीटा टू मतलब साइन ए माइनस बी का। तो ओवरऑल बच्चों अगर आपको यहां पे समझ में आए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो Z1 अपॉन Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया, अगर हम उसके आर्ग्यूमेंट की बात करें तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 बच्चों किसका आर्ग्यूमेंट है, Z1 का, और थीटा 2 किसका आर्ग्यूमेंट है, Z2 का। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई जो मैंने आपको बताई। ठीक है बच्चों, आप इसको फिर से आराम से नोट करिए। देखिए बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है कि ये अब हम कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 आ रही है आपके पास, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, ये सभी बच्चों को मैंने रटवा रखा है, और यदि आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए कि आपको ये कंसेप्ट हर बार यूज करना होगा, मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इनटू Z बार। तो बच्चों ये वैल्यू जो होती है ये किसके इक्वल होगी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बार यानी कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, और मैंने बच्चों कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी आप बताई थी कि ये बार जो होता है ये इंडिविजुअल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने टर्म्स क्लियर होते चले जाएंगे, क्या क्या टर्म्स आएंगे वो आप लिखिए, आएगा Z1 Z1 बार, फिर आएगा Z1 Z2 बार, तो बच्चों यहां पे भी बार है आप बार लगा लीजिएगा, Z1 Z2 बार, फिर आएगा Z2 Z1 बार, फिर आएगा Z2 Z2 बार, इस तरह से टर्म्स आएंगे। और बच्चों अगर आप टर्म्स को देखें तो ये वाले दोनों टर्म्स जो है इनको कलेक्ट करके आप लिख सकते हैं मॉड Z1 स्क्वायर, और दूसरे टर्म को आप लिख सकते हैं मॉड Z2 स्क्वायर। अब बच्चों ये वाली कहानी मैंने आपको बहुत देर तक समझाई थी कि ये क्या लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं भी आपको याद ना हो क्योंकि आप लोग पढ़ाई बहुत कम करते हैं खुद से, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर बच्चों मैंने बताया था कि Z जो होता है X प्लस आई वाई होता है, तो Z बार क्या होता है, X माइनस आई वाई होता है। तो बच्चों हमने इन दोनों को सम करके बताया था कि Z प्लस Z बार किसके इक्वल होता है, 2X के बराबर होता है। और X क्या है बच्चों, X जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z का रियल पार्ट है। ध्यान से देखिए, जो X है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका रियल पार्ट है। तो बच्चों ये एक रिजल्ट होता है जिसको हम लोग बिना बताए यूज करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसका जो सम होता है टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। तो बच्चों उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें कि एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 बार, और बच्चों अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार ले लें यानी
z1 z2 बार का होल बार ले लें, तो देखिए क्या आ रहा है, इस पे z1 पे बार तो बार आ जाएगा, लेकिन z2 पे बार लगाए उस पे फिर से बार लगाएंगे तो उसका बार हट जाएगा, बार का बार फिर से लेंगे तो फिर से बार उसका हट जाएगा। मतलब आपने z से z बार लिखा, लेकिन z बार में फिर से आप बार लेंगे, मतलब उसका i से फिर माइनस i से रिप्लेस करेंगे तो वापस आप z पे पहुंच जाएंगे। तो सिमिलरली वही बात मैंने आपको बताई। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका बार है यानी कॉन्जुगेट है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 times real part of that complex number, 2 times real part of that complex number। तो बच्चों इस बात को मैंने यहीं पे हाईलाइट करते हुए लिखा था, 2 times real part of that complex number। तो बच्चों मैंने आपको ये बात दोबारा बता दी और आपको प्रूफ भी करा दी, और आपको एग्जाम में ऐसा लिखना भी पड़ेगा हर बार, इसलिए आप याद रखिए कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का जो होल स्क्वायर होता है वो होगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 times real part of z1 z2 बार। लेकिन बच्चों अगर हम इसमें z1 और z2 को लेट कर लें, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे थे, z1 को लेट कर लें r1 times cos theta 1 प्लस i sin theta 1, ठीक, और z2 को लेट कर लें r2 times cos theta 2 प्लस i sin theta 2। ध्यान से देखिए, ये z1 और z2 को मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो बच्चों हमको z1 z2 बार, ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, z1 z2 बार चाहिए इसमें। तो आप तो ऑलरेडी बता सकते हो z1 z2 बार क्या होगा, वो होगा r1 r2 times cos of theta 1 minus theta 2, यही तो होगा, plus i times sin theta 1 minus theta 2। क्योंकि बच्चों अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूविंग कराई है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो मैंने उसका डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई थोड़ा ना करके चेक करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको r1 r2 में कंफ्यूजन है तो r1 का मतलब होता है मॉड z1, r2 का मतलब होता है मॉड z2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इन सबको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो कुछ ऐसे ही तो होगा। तो बच्चों हमें z1 z2 पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, हमें z1 z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट चाहिए। तो उसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहोगे सर रियल पार्ट है मॉड z1 मॉड z2 cos of थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये सर रियल पार्ट है। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट पूछो तो आप कहोगे मॉड z1 मॉड z2 sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों हमको करना क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन प्रूव की है, उस ऊपर वाली इक्वेशन में हम जो 2 times real part of z1 z2 बार लिखा है उसमें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार को हम इससे रिप्लेस कर देंगे जो आपके सामने। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन जाएगी z1, ध्यान से देखिएगा मैं लिखने जा रहा हूं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 times mod z1 mod z2 cos of theta 1 minus theta 2, this is in terms of argument। तो बच्चों आपको ये दोनों equations अब पता होनी चाहिए कि z1 plus z2 के modulus का square हम क्या लिख सकते हैं और उसको manipulate करके arguments के terms में हम उसको कैसे लिखेंगे, वो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार और बताता हूं, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक कंसेप्ट अबाउट देख लेते हैं लास्ट में, टाइम भी हो गया है, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे। तो बच्चों आप देख लीजिए, तो सबसे पहले अब हम लोग को बच्चों देखना होगा कि अगर आपके सामने हम ये डायरेक्ट कंसेप्ट रिव्यू कर दें तो आपको अब शायद जल्दी समझ में आ जाए। आप डाल दीजिए 6th नंबर, आप डाल सकते हैं अपनी कॉपी में। तो बच्चों जैसे मैंने आपको लिखवाया कि z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, आपने खट से लिख दिया मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 times real part of z1 z2 बार, आपने इस तरह से खट से लिख दिया।
बच्चों अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको आर्ग्यूमेंट्स के टर्म्स में भी मैंने आपको बताया कैसे लिखिए, इसको प्रूफ भी करा दिया। तो आपने लिखा 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। तो बच्चों आप इसको जरूरत के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों करना क्या है, इसी से मिलता जुलता काम है। अब आप मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर निकालिए। तो बच्चों यही सेम प्रोसेस जब आप रिपीट करेंगे तो ये प्रोसेस इसी सेम प्रोसेस से रिपीट होगा, बस यहां पर माइनस आ जाएगा और टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, यही पूरा प्रोसेस सारा आ जाएगा। और बच्चों अगर आप इसको आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें, ऊपर वाले रिलेशन को वन मान लें, नीचे वाले रिलेशन को आप टू भी लिख सकते हैं। और अभी जो आपकी सिक्स नंबर प्रूविंग है वो आपको यही प्रूविंग करनी थी, और आप इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ये आपकी प्रूविंग आराम से हो जाएगी, जैसे मैंने पहले वाली बताई बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। अब बच्चों थोड़ा सा काम ये बनाएं कि आपके पास एक सातवां रिलेशन यहाँ पे जनरेट होता है जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं। सातवां रिलेशन बच्चों ये होता है कि आप जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनी है इनको आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप ऐड करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए, चाहे आप और वाला यूज करिए या आप दोनों के पहले पहले यूज कर लीजिए, तो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो एक नया रिलेशन डेवलप हो जाता है जो एग्जाम में काफी तेज रफ्तार से चलता है। जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के कभी भी इस साल या अगले साल, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये रिलेशन किस तरह से एग्जाम में यूज किया जाता है। तो बच्चों इतनी बातें आपको मैंने आज के टर्न पे सिखाई हैं।